अभी अभी स्पेशल फोर्सेज के कुछ ऑफिसर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि मामले की पूरी तफ्तीश जो है वो अलग अलग मल्टीपल एंगल से जारी है, क्योंकि वजूहात जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक दो ड्रोन्स के जरिए, अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जो बात स्पष्टीकरण हो पा रही है कि ड्रोन के जरिए ही जो है ये हमला जो है वो किया गया है, और अंदर जो दो धमाके जो सुबह हुए हैं उसके द्वारा किया गया। हालांकि अभी तक इसकी जो आधिकारिक पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई है, और यहाँ पर अधिकारियों का आना और जाना जो तांता लगातार लगा हुआ है। अलग अलग फोर्सेज के जो बड़े बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्पेशल फोर्सेज हो, CRPF हो, आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हो, सभी तरह की जो जांच एजेंसियां हैं, NIA के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके अलावा अभी अभी स्पेशल फोर्सेज के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सभी मल्टीपल एंगल से देखा जा रहा है कि आखिर पता चल पाए कि ये जो हमला हुआ है यहाँ पर उसके पीछे आखिर क्या कौन छिपा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है और ये आधिकारिक स्पष्टीकरण हो जाता है कि ड्रोन के माध्यम से ही यहाँ पर हमला हुआ है, तो फिर कई पहलू जो है वो अनसुलझे हैं जिन्हें सुलझाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यदि ड्रोन चला है तो ड्रोन को काफ़ी हाई पावर का इंटरनेट की आवश्यकता रहती है, और यदि उसे ट्रिगर करना है तो आसपास के इलाके से ही उसे ट्रिगर किया गया होगा। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी को जाँचा जाए कि आखिर एयरफोर्स के आसपास किस तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी कहां से चली और कहां से नहीं चली है, और इसी की जांच करने के लिए देखिए अलग अलग एजेंसी जो है वो यहां पर इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंची है। अभी आप तस्वीरों में जिसमें देख पा रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस के जो जवान जो है वो अभी जस्ट यहाँ पर इंडियन यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंची है, और इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि अभी तक जांच एजेंसियां इस पर अपना स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि आखिर किस तरह से ये हमला हुआ है। अभी सिर्फ क्यासों के बाजार गर्म हैं, और इस बार के क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी तक सूत्रों के हवाले से पता चल पा रहा है कि जो अभी तक सबूत इकट्ठा हुए हैं या जो चीज़ें अभी तक आंकलन की गई हैं ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया गया है, तो बहुत ज़रूरी है अभी जांच एजेंसियां जो हैं इस आसपास के जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, किस मोबाइल इंटरनेट पर जो है ज़्यादा डेटा यूज़ किया गया है, किस तरह का यहाँ पर एक्टिविटीज़ रही हैं, सभी तरह के CCTVs खंगाले जा रहे हैं। उसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि आसपास के इलाके में आर्मी एरिया है, पीछे यदि हम देखें कंटोनमेंट एरिया है, तो आसपास के इलाके से सिविल एरिया बहुत कम है। ऐसे में यदि ट्रिगर किया हो गया होगा तो ज़रूर वो या तो सिविल एरिया से किया गया होगा या किसी आसपास की चीज़ में कोई ब्रीचिंग हुई है। इन सभी चीज़ों को खंगालने के लिए अभी मल्टीपल एजेंसी जो है वो अंदर जुटी हुई है। अभी तक भी सुबह से लेकर अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, सिवाय एक ट्वीट के जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हुआ है, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि दो ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें एक ब्लास्ट जो है उसे एक बिल्डिंग की छत जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, और दूसरा जो वो खुले मैदान में हुआ है, और इससे किसी को क्षति नहीं पहुंची है और कोई भी इक्विपमेंट जो है वो नुकसान में नहीं गया। इसके अलावा अभी तक ऑफिशियल कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जितना हम आपको बता रहे हैं सारा सूत्रों के आधार पर है कि दो ड्रोनों के जरिए जो है वो यहाँ से सामग्री और ये जो धमाके की सामग्री वो अंदर पहुंची और अंदर धमाका हुआ। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले कि भी पिछले कुछ अरसे से लगातार आपको बता दें कि ड्रोन जो है वो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के इस एरिया में आते रहे, और यदि करीब 6 महीने का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो 6 अटैम्प्ट अभी तक हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश की गई। 3 बार तो यहाँ सुरक्षा बलों ने BSF ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और ड्रोन को वापस उल्टे कदम जो है वो जाना पड़ा, और इसके अलावा 3 प्रयासों में पाकिस्तान सफल रहा हथियारों को यहाँ पहुँचाने के लिए, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट पर थी और उन्होंने जहाँ पर ये ड्रोन द्वारा हथियार फेंके गए वहाँ से हथियार जो है वो जब्त कर लिए गए। लेकिन ऐसे में 6 अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में जो अभी ड्रोन आए हैं क्या वो एक चूक थी, क्या वो आंखों को ओझल करने के लिए कामयाब हो गई? और दूसरी बड़ी बात है कि यदि हम ये दावा करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में सभी तरह के उपकरण जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि ड्रोन आता है तो वो सेंसर्स को किस तरह से ब्रीच कर गया और किस तरह से वो टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर आ गया, ये एक बड़े जांच के विषय जिसको लेकर आज सुबह से ही दिल्ली से यहाँ पर अलग अलग एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ किस तरह से। फिलहाल की अभी अपडेट है, यदि कोई भी ऑफिशियल इस पर कोई जानकारी देती है वो आपसे साझा जरूर करेंगे। जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।